नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और स्वर्गीयता वायर में स्वागत है। ये कितनी अजीब विडंबना है कि हमारे नेता किसानों का ही वोट लेकर के संसद तक पहुंचते हैं, लेकिन किसान को अपनी मांगों को लेकर के उन्हें बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है। आपको मध्य प्रदेश का मंदसौर आंदोलन याद होगा, उसके बाद में महाराष्ट्र में नासिक से लेकर के मुंबई तक किसानों ने पैदल मार्च किया। पिछले महीने दिल्ली में एक बार फिर किसान आए थे ऑल इंडिया किसान सभा की अगुवाई में, और एक बार फिर से किसानों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर होना पड़ा है सड़कों पर उतरने के लिए। एक बार फिर से किसान दिल्ली में 29 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में। आखिर किसानों के क्या मुद्दे हैं, क्यों बार बार उन्हें ज़मीन पर उतरना पड़ता है, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है, इस सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पी साईनाथ जी, आप जानते होंगे कृषि मामलों के जानकार, और परी के संस्थापक पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। स्वागत है सर हमारा आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो हाल फिलहाल में आप बार बार उसका जिक्र करते रहे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये राफेल से भी बड़ा घोटाला है, आप क्यों ऐसा कहते हैं बार बार? देखिए, ये बहुत कोअर्सिव स्कीम है जो इम्पोज किया किसान के ऊपर। अगर आप किसान हैं और मैं बैंक हूँ, आप आते हैं बैंक में लोन के लिए और मैं मना करता हूँ जब तक आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेंगे, आपको चॉइस नहीं है, तो ये वेरी कोअर्सिव है जो आपको लोन नहीं देता हूँ। ठीक है, आप सरेंडर करके पॉलिसी साइन करेंगे और आपके लोन पहला इंस्टॉलमेंट से मैंने प्रीमियम डिडक्ट करने वाला हूँ, वो भी कोअर्सिव है। तीसरा, जब आपको अगर कुछ फसल का नुकसान हुआ बड़ा और कुछ छोटा मोटा पैसा मिला कॉम्पेंसेशन में, मुआवजा में, पहला क्लेमेंट मैं हूँ, बैंक, आप नहीं, किसान नहीं, इसलिए कि मैंने लोन दिया आपको, ऐसा करके पहला मैं काटता हूँ कुछ इंस्टॉलमेंट उसे और फिर आपको देता हूँ। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि देश को पूरा जागीर में बांटा दिया 18 इंश्योरेंस कंपनीज को, उसमें 3-4-5 है पब्लिक इंश्योरेंस का, बाकी सब प्राइवेट कॉरपोरेशन है, और धीरे 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 नहीं जल्दी जल्दी पब्लिक सेक्टर का जो इंश्योरेंस कस्टमर्स हैं उसको निकाल के इनको दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। 2016-17 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और 2017-18 में वही एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नंबर ऑफ फार्मर्स इंश्योर्ड 1 करोड़ से गिर गई। अच्छा, कम हो गए, ठीक, नंबर ऑफ फार्मर्स इंश्योर्ड, तो किसके, और टोटली आप देखिए जितना फार्मर्स, तो क्या हो रहा है, आपका कोअर्सिव मेजर है प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट पे है। इट्स अ वंडरफुल स्कीम फॉर बैंक्स एंड बीमा कंपनीज, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है, आप देखिए आरटीआई की पब्लिश छपा है ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून चंडीगढ़ में, पहला 24 महीने में, जिस 24 महीने में बहुत क्रॉप लॉस हुआ भारत देश में, बहुत सारा कॉम्पनसेशन का डिमांड रहा, सब चक्कर में है इसमें, लेकिन पहला 24 महीने में 12-13 इंश्योरेंस कंपनी, ये जो 18 है लेकिन उसमें 4-5 सीरियस नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनीज 24 महीने में 15,755 करोड़ का प्रॉफिट लिया। अच्छा, इतना उनको प्रॉफिट हुआ, ठीक, और पहला साल ये प्रॉफिट है, टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट है, पहला साल उसका एवरेज प्रॉफिट कलेक्टिवली सब मिलके हर महीने प्रतिशत ये 530 करोड़। अच्छा, इतना उनको बेनिफिट हो रहा है। हाँ, ठीक। दूसरा साल में जब इंश्योर्ड किसान कम हुआ और बढ़ गया 778 करोड़। मतलब प्रीमियम बढ़ा दिया, ठीक। मैं जैसे कुछ लोग इसमें सवाल उठा रहे, जो आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, एक सवाल इसमें है कि क्या जो टोटल प्रीमियम कलेक्टेड और टोटल क्लेम पेड अगर इसको माइनस करते हैं तो क्या इसको प्रॉफिट
कहेंगे या कुछ ऑपरेशनल चार्जेस? ऑपरेशनल चार्जेस कहाँ, एक पैसा उनकी जेब से नहीं आई है। क्या ऑपरेशनल चार्जेस? पहला साल 2016-17, देखो ये इंश्योरेंस स्कीम का स्ट्रक्चर क्या है, किसान देंगे 1.5 से 2% रिस्क कवर का, केंद्रीय सरकार देंगी 8% रिस्क कवर का और राज्य सरकार 8%, तो 18% हो गया उसका कवर। तो 40,000 रुपया समझो एक एकड़ का रिस्क कवर, पर बनी में सोयाबीन लेंगे तो 40,000 रुपया अनइरिगेटेड है, 40,000 रुपया रिस्क कवर है वहाँ। वो 40,000 रुपया में किसान देंगे 800 रुपया, फिर केंद्रीय सरकार 3200 और 3200 स्टेट, मतलब 7,200 रुपया कवर देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी कॉम्पनसेशन दिया वो उसके अंदर आई है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप पूरा रिस्क कवर पे किया, रिस्क कवर पे किया और आपका फसल पूरा बर्बाद हो गया, 40,000 रुपया में आपको कम से कम 20,000 रुपया मिलना चाहिए। आपको 100% गया तो 40,000 रुपया मिलना चाहिए, वो रिस्क कवर है आपका। कम से कम 50% मिलना चाहिए। दो रेवेन्यू सर्कल में जो लोग स्टडीज किए वहाँ किसान सभा लोग ने देखा था कि बहुत सारा लोग को 500 रुपया मिला, 400 रुपया मिला, जहाँ किसान ने 800 रुपया दिया एक। तो इसमें क्या ऑपरेशनल कॉस्ट है और क्या ऑपरेशनल कॉस्ट है जब उस कंपनी का तालुका लेवल ऑफिस नहीं है, दफ्तर नहीं है, ऑफिसर नहीं है, क्या ऑपरेशनल कॉस्ट करेंगे आप? अच्छा, एक समस्या इसमें भी है कि कोई रिड्रेसल सिस्टम भी नहीं है कि किसान, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कह रहा है। अच्छा, सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट नंबर 7/2017, सीएजी रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं कि देखो इस सरकार के पास कोई डेटाबेस नहीं है, किसान लोग का कोई डेटाबेस नहीं है, किसको मांग, किससे मांग रहा है, किसको दे रहा है इंश्योरेंस, किसको कॉम्पनसेशन दे रहा है, समस्या आ गई तो कहां शिकायत करें। और ये भी लिखा है वहां, गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट कंपनीज एंड द बैंक्स फॉर द डेटा, और उसमें बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है काफी, उसमें जो इंश्योरेंस है उसमें आधा बैंक्स भी हैं, दे आर बोथ बैंक्स एंड इंश्योरेंस, जैसा HDFC ergo या ICICI, ये सब बैंक्स हैं और इंश्योरेंस भी है, बड़ा तालमेल है उसमें। तो आई कैन क्रिएट एनी लिस्ट आई वॉन्ट, भाई भाईचारा का सब डाल सकते हैं वहां उसमें। लेकिन ये पॉइंट ये है कि जो भी पेमेंट किया इट हैज कम विद इन द पब्लिक मनी, इंश्योरर का पैसा मैंने देखा नहीं। आप डेटा प्रोड्यूस कर लीजिए, नहीं तो 16,000 करोड़ प्रॉफिट कैसा करेंगे? सो दे हैव नॉट स्पेंट एनीथिंग मच फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। और वहां परबनी में बड़ा संघर्ष हुई और उसके बाद कुछ कॉम्पनसेशन दिया, लेकिन जहां किसान ऑर्गेनाइज नहीं है, उसका बार्गेनिंग पावर नहीं है, उसको लूट करो, वही है। अच्छा सर, एक चीज़ हमने अच्छी और देखा कि जो 2014-15 के टाइम में जो फसल बीमा योजना चल रही थी और जो अभी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके कंपैरिजन में जो प्रीमियम जो कंपनीज को जा रहा है उसमें 350% का इंक्रीज है। ऑफकोर्स, तो इसका रीजन आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये स्कीम है, देखो पैसा देने के बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि श्रम इंश्योर्ड बढ़ गया है इसलिए ये प्रीमियम बढ़ गया है, नंबर ऑफ इंश्योर्ड गिर गई। इसके पीछे ये अभी एक दिन सदन में ही उन कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि चूंकि कई सारे स्टेट्स ने लोन वेवर कर रखा है और कई जगहों पर आधार की वजह से ड्यूप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कुछ कम। देखिए महाराष्ट्र में अभी बड़ा सूखा चल रहा है, 151 तालुका को ड्राउट डिक्लेयर कर दिया उसने, और वो भी बहुत गलत है। मोदी सरकार ने 2016 दिसंबर में ड्राउट मैनुअल को पूरा बदल दिया, जिससे बहुत मुश्किल है, राज्य सरकार को डिक्लेयर करने का बहुत दिक्कत है अभी।
और वो 151 तालुका में अब ड्राउट कर दिया तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से। फिर महाराष्ट्र राज्य सरकार जो भाजपा सरकार है फिर वो क्यों मांग रहा है 7,000 करोड़ रिलीफ केंद्रीय सरकार से? ये सब इंश्योरेंस से आना चाहिए। अब प्रीमियम पे कर चुका है, देन एवरीथिंग शुड बी फाइन, लेट द इंश्योरेंस कंपनीज बेयर द कॉस्ट ऑफ ड्राउट रिलीफ। मतलब उन्होंने वो सूखा घोषित किया क्रॉप रिलीफ, ड्राउट रिलीफ अलग है, क्रॉप रिलीफ, ड्राउट रिलीफ में और कुछ मेजर्स हैं, लेकिन क्रॉप रिलीफ, इफ योर क्रॉप रिलीफ प्रोग्राम वॉज वर्किंग फाइन, वाई आर यू आस्किंग फॉर 7,000 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये एक बात है। दूसरी बात देखो, सी ए जी ने यह भी लिखा, कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, कहाँ जाएंगे किसान? अब किसके पास जाएंगे? अगर मैं कंपनी हूँ, आप किसान हो, हाँ, परभणी जिला में आप बैठे हैं, जब आपका कंप्लेंट है, मेरा ऑफिस भी नहीं है वो आप तालुका में, आप कहाँ जाएंगे? हाँ, और IRDA इज बिहेविंग लाइक अ दलाल, इंश्योरेंस रेगुलर, वो दलाल के काम कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं इस बड़ा कंपनी को। तो कहाँ जाएगा किसान? वेबसाइट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेबसाइट, वहाँ एक सवाल है, हैव यू अ कंप्लेंट? तो यहाँ तो वो बटन प्रेस करो आप, तीन छोटा जगह है, आपका नाम, आपका काम, आपका कंप्लेंट, कुछ लिखा नहीं है, ये कौन पढ़ने वाला है, किसका एड्रेस्ड है और कहाँ जाएगा, किस डिपार्टमेंट में जाएगा? अगर जो पढ़ने वाला है आपको फिर दोबारा कांटेक्ट करेंगे, और अधिकतर चीजें वो इंग्लिश में है, तो किसान कितना इंग्लिश हाँ नहीं, स्पीकिंग है, और करेक्ट रीजनल लैंग्वेजेस ये है। ये इंश्योरेंस पॉलिसीज ज्यादा इंश्योरेंस हाँ। लेकिन वेबसाइट में हाँ। हिंदी मराठी है, अच्छा, लेकिन उनका फॉर्म काफी कॉम्प्लेक्स है। देखिए धीरज, आप ये बताइए कि कितना किसान जानते हैं कि इंश्योरेंस मिलने के लिए, कॉम्पनसेशन मिलने के लिए एक बड़ा फॉर्म फिल करना है, और वो फॉर्म कहाँ से लाना है? मुझको नहीं मालूम है कि कहाँ से लेना है, क्या कैसा करना है उसको, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमको मालूम नहीं ये प्रोसीजर क्या है, कैसा करूँ। पिछले साल में जब कॉम्पनसेशन डिक्लेयर करते हैं, सरकार डिक्लेयर करते हैं और वो बांटते हैं कॉम्पनसेशन, तो किसान उसके लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं कि हमको यहाँ अभी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वहाँ कहेंगे, तालुका ऑफिस में कहेंगे कि देखो ये 2 साल पहले हमारा काम है लेकिन अभी पूरा प्राइवेट हो गया। फिर कुछ कंपनीज जो इंश्योरर और बैंक है वो क्रॉप इंश्योरेंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी बंडल कर रहे हैं और बड़ा प्रीमियम ले रहे हैं। हालांकि सरकार जो है अपनी योजनाओं को लेकर के लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, एडवर्टाइजम चाहे ये सब भी कर सकते थे। आपको आप नंबर देखो, आप राफेल के बारे में बता रहे हैं, राफेल ओरिजिनल डील का वैल्यू क्या है? 58,000 करोड़ ओरिजिनल डील। इसका मैंने कहा आपको, किसान का 2%, राज्य सरकार का 8%, केंद्रीय सरकार का 8%। पहला साल 2016-17 में 20,000 रुपया सिर्फ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से, 20,000 करोड़। अगले साल 21 या 22,000 करोड़। इस साल के लिए एलोकेशन टारगेट है वो 26,000 करोड़, वो कितना हो गया? 68,000 करोड़। राफेल डील का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? वो एक साथ एक डील में हो जाए, खत्म हो जाएगा राफेल। ये हर साल रिकरिंग होगा, हर साल रिकरिंग होगा, ठीक है। और अब ये भी देखिए, राफेल डील के अंत में आपको मिलेगा एक हवाई जहाज, प्रधानमंत्री योजना के अंत में किसान को मिलेगा गर्म हवा, और क्या मिलेगा? तो जैसा कि आप साईनाथ जी को लगातार सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 29-30 नवंबर को जो किसान दिल्ली में आ रहे हैं, उनकी मुख्य रूप से जो समिति है, जो संगठन है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति, संघर्ष समन्वय समिति, उनकी मांग है कि वो दो प्राइवेट मेंबर बिल है, एक डेट
रिलीफ फ्रीडम फ्रॉम डेट यानी कि कर्ज से आज़ादी और गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि निश्चित रूप से किसानों को उनकी लागत का उचित उनकी जो प्रोडक्शन हो उसका उचित दाम मिलना चाहिए। सर अगर आप हमें दर्शकों को बता सकें कि ये दो जो जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं ये क्यों इस समय जो एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इस सरकार ने 2014 जब चुनाव लड़ रहा था प्रॉमिस किया कि स्वामीनाथन कमीशन का एमएसपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% हम करेंगे। आने के बाद सत्ता में आने के बाद इमीडिएटली उसने एफिडेविट फाइल किया कि यह नहीं हो सकता है। आरटीआई रिप्लाई दिया कि यह नहीं हो सकता है, मार्केट प्राइसेस डिस्टॉर्ट होगा। 2016 में राधा मोहन सिंह जी ने कहा हमने कभी ऐसा एक वादा नहीं किया। 2017 ने ये भाजपा ने कहा कि स्वामीनाथन छोड़ो, हमारा शिवराज सिंह चौहान देखो, मध्य प्रदेश मॉडल और बहुत आगे चल गया स्वामीनाथन। 2018 जनवरी में जेटली साहब बजट स्पीच में कहा पैराग्राफ 13 एंड पैराग्राफ 14 पैरा 13 और 14 कि हमने पूरा कर दिया, वादा दिया और पूरा कर दिया उसका कॉस्ट, लेकिन अलग टाइप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो बिल्कुल झूठ है कि वो स्वामीनाथन कमीशन का बेसिस पे किया, वो बिल्कुल झूठ है। और अगस्त या क्या सितंबर अभी 2 महीने पहले नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा, यार जब चुनाव लड़ रहा था आपको कोई उम्मीद नहीं था कि हम सत्ता पे आएंगे, कहा या नहीं कहा? तो उस समय आसमान तक हमने वादा किया, उसी वही दैट इज द कंटेंट ऑफ व्हाट ही सेड। तो ये एमएसपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स हु आर अनेबल टू एक्सेस एमएसपी एंड हु आर सेलिंग एट बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत जगह। दूसरा कर्जा मुक्ति, वो तो आपने पिछले 30 साल में पिछले 25 साल में एग्रीकल्चर क्रेडिट किसान के हाथ से लेके कंपनी के हाथ में दिया, आप भी जानते हैं आप स्टोरी किया उसके ऊपर में। तो ये दो बिल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप्स है, ये फाइनल सिनेरियो नहीं है, ये पहला कदम है, पहला कदम है इसमें, इसका पहला कदम। सर एक सवाल और भी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि किसानों को एक तरीके का जो कर्जा मुक्ति है उनको फ्री में पैसा बांटा जा रहा है, क्या आप एक तरीके से बता सकते किसने कहा आपको फ्री में पैसा बांटा है कि और कितना पैसा बांटा है? नेता लोग भी इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। सुनो 32,000 करोड़ बांट रहा है, बांट रहा नहीं वेव कर रहा है महाराष्ट्र में 82 लाख किसान को। आपने 30,000 करोड़ आपने माफी कर दिया विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को। एक का 9,000 करोड़ अभी हर दिन उसका नंबर बढ़ रहा है, बता रहे कि नहीं नहीं माल्या का 9,000 करोड़ नहीं 12,000 करोड़ है, नीरव का इतना हुआ, बेहुल का इतना हुआ, और वो सिर्फ 3 जन है। ऐसा एक 2,000-3,000 जन है देश में जिसका बहुत, और हर साल आप देते हैं वेवर बजट में स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन, उसका नाम ही बदल दिया पिछले 2 साल जेटली साहब ने, अभी स्टेटमेंट ऑफ रियल इंपैक्ट ऑफ रेवेन्यू इंपैक्ट ऑफ इंसेंटिव्स टू इन टैक्स कंसेशंस। अच्छा उसका टर्म बदल दिया उन्होंने जी, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन में 2006 से 2015 तक 42.3 खरब रुपया, अरब नहीं खरब, ट्रिलियन रुपीस, 42.3 ट्रिलियन रुपीस आपने दिया डायरेक्ट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वेवर और कस्टम्स ड्यूटी वेवर, 43 खरब रुपया। और उसमें कस्टम्स ड्यूटी वेवर 2,40,000 करोड़ करीब, उसमें बिगेस्ट वेवर क्या है, गोल्ड डायमंड्स एंड ज्वेलरी 73,000 करोड़, सब आम आदमी आइटम है क्या? तो आप इनके लिए जो भी कर सकते हैं। और देखिए जब कॉरपोरेट जगत का मामला आया, अमीर लोग का मामला आया, जीएसटी आपने मिडनाइट को स्पेशल सेशन रख के पास कर दिया, स्वामीनाथन रिपोर्ट
2004 से पहला रिपोर्ट, 14 साल पड़ा है पार्लियामेंट में, आपने एक घंटा स्पेशल डिस्कशन नहीं कर पाए उसके ऊपर। मैं कह रहा हूं आप 3 हफ्ते, ये मेन डिमांड है हमारा नेशन फॉर फार्मर्स, जो मध्यम वर्ग का सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जुड़ा हुआ है जर्नलिस्ट फॉर फार्मर्स, डॉक्टर्स फॉर फार्मर्स, सोल्जर्स फॉर फार्मर्स, जवान फॉर फार्मर्स, टेकीज फॉर फार्मर्स, साइंटिस्ट फॉर फार्मर्स। आप मिलेंगे वहां मार्च में और परसों रैली, भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। एक सर आखिरी सवाल बस मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, लेकिन ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 3 हफ्ते पार्लियामेंट सेशन क्यों चाहिए? दो बिल जिसका वो जो दो बिल दो दिन में पास कर सकते हैं इसलिए कि 21 पॉलिटिकल पार्टी ने उसका समर्थन दे दिया। लेकिन 3 दिन आप डिस्कस करो स्वामीनाथन कमीशन, जो आपने 14 साल डिस्कस नहीं किया, उसमें और बहुत चीज है, एग्रो इकोलॉजी है, प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड है, ये सब है। दूसरा 3 दिन आप डिस्कस करो महिला किसान का एंटाइटलमेंट्स और राइट्स, जो कभी नहीं होता है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि महिला तो किसान नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं हमारा समाज में। दलित किसान, आदिवासी किसान, दलित जो जिसके पास पट्टा है उसके पास वो जमीन नहीं है, जमीन कब्जा नहीं है, जिसके पास जमीन कब्जा में है लेकिन पट्टा नहीं मिल रहा है, आदिवासी लोग जो सैकड़ों साल एक जगह में रहा, आप आके बोल रहे हैं कि पट्टा दिखाओ, उनका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, ये सब डिस्कस होना चाहिए। 3 दिन आप डिस्कस कर लीजिए डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, रिवर्सल ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। आज किसान का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर स्वास्थ्य में, आप देखो स्वास्थ्य का लोन की लेंगे 2 लाख 3 लाख, कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल में कुछ करने का एक छोटी मोटी चीज, लेकिन 2 लाख 3 लाख लेते हैं, उनके पास वो पैसा नहीं है, वो साहूकार से लेते हैं। प्राइवेट, द स्ट्रगल अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन इज द स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स, लेबरर्स एंड पोअर पीपल, रूरल एंड अर्बन। और 3 दिन आप डिस्कस कर लीजिए पानी संकट, पानी की संकट, इतना बहुत बड़ा पानी की संकट है, और आपने सिंचाई का पानी भी प्राइवेटाइज कर रहे हो। अभी महाराष्ट्र में बहुत सारा टाउन में प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो गया, नागपुर में, चंद्रपुर में, ये सब अभी सिंचाई में भी लाने वाले हैं। 3 दिन आप विक्टिम्स ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस, उनको खड़े होने दो ऑन द सेंट्रल फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, नेशन को एड्रेस करने दो। मैं इस बार मैं गारंटी देता हूँ नेशन वांट्स टू नो। जैसा कि इन्होंने कहा कि किसान अब जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है, उन नेताओं से पूछना चाहते हैं कि उनके वादों का क्या हुआ जो उन्होंने चुनाव के दौरान में किया था। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार वादा कर चुके हैं, बार बार कहते रहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान उनकी सरकार कर देगी, लेकिन क्या हुआ आप उन नेताओं से पूछिएगा जब वो आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे। फिलहाल 29 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक किसान भारी संख्या में, दावा है कि लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के सड़कों पर मौजूद रहेंगे, वो अपनी मांगे पुरजोर तरीके से रखेंगे। मध्यम वर्ग का लोग आना चाहिए उनको साथ देने के लिए, मिडिल क्लास जो हमारा समाज है वो आए, साईनाथ जी कह रहे हैं कि उनका समर्थन दे और वो अपनी मांगों को रखेंगे ध्यान से। आप उनको सुन सकते हैं कि किसान की समस्या कर्ज माफी और MSP तक ही सीमित नहीं है, उसके बच्चों के पढ़ाई का क्या, उसके हेल्थ का क्या, उसका जो दिन पर दिन उसके घर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, महिला किसान का क्या, आदिवासी किसान का क्या, इन सब का रिकॉग्निशन कब होगा हमारे समाज में, इन सारे स्वामीनाथन रिपोर्ट कब लागू होगी, बहुत तरीके के सवालों के साथ, बहुत तरीके की मांगों के साथ किसान यहाँ पे आ रहा है। और मांग है उनकी कि अगर GST को आधी रात को स्पेशल सेशन बुला करके पास कराया जा सकता है जो कि एक टैक्स है, तो किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए क्यों आधी रात को संसद का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। आप देख रहे थे द वायर, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।